गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज़ आर EBS क्लास, आर 11th चैप्टर रीडिंग वॉज कम्प्लीटेड. सो टूडे वी विल डू बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ये वाले बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से हमने ब्लैंक्स कम्प्लीट करनी है. द फर्स्ट वन इज वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ. तो जो साइड रोड के साइड पे जगह होती है, थोड़ी दोनों साइड जगह होती है, तो वहाँ वो जगह जो पैदल लोग चलते हैं उनके लिए होती है, वॉक करने के लिए. वॉक मीन्स पैदल चलना. जो साइड पे रोड के साइड पे दोनों साइड जगह छोड़ी होती है वो फुटपाथ होती है, तो उस पर वॉक करना चाहिए. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स. जो तीखी चीज़ें होती हैं, शार्प होती हैं, उनके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए. यू मे बर्न योर सेल्फ इफ़ यू प्ले विद अ मैच बॉक्स. अगर आप माचिस के साथ, माचिस की डिब्बी के साथ खेलोगे तो क्या हो सकता है, आप अपने आप को जला सकते हो. मीन्स आपके हाथ पे, अगर हाथ से आप माचिस चला रहे हो तो आपका हाथ जल सकता है. तो हमें माचिस के साथ खेलना नहीं चाहिए. Never push others on the staircase. तो कभी भी सीढ़ी के ऊपर हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, धक्का नहीं देना चाहिए, ठीक है. Cross the road from a zebra crossing. जो जीब्रा क्रॉसिंग होती है, जहाँ पे रोड ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, उनके वहाँ पे लाइन्स लगी होती हैं, तो उनके ऊपर जो लोग पैदल रोड क्रॉस कर रहे होते हैं उनके लिए होती हैं वो, एक रोड एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, वो पैदल चलने के लिए होती हैं वो लाइंस, वाइट लाइंस होती है जो लगी हुई, उनको जेब्रा क्रॉसिंग बोला जाता है. वो रोड क्रॉस करने के लिए होती है लोगों को. नेवर ट्रेवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस. तो हमें कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए फुटबोर्ड ऑफ द बस. जो बस की खिड़की में स्टेयर्स लगी होती हैं वो फुटबोर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर हमें कभी भी ट्रैवल नहीं करना चाहिए. हमें सीट के ऊपर बैठकर ट्रैवल करना चाहिए. अगर हम बस में कहीं जा रहे हैं तो खिड़की में हमें खड़े होकर ट्रैवल नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज टिक राइट द करेक्ट आंसर. तो ये वाले आंसर्स हैं, इनमें से टू आंसर्स दिए हैं, थ्री, तो उनमें से सही है उस पर टिक लगाना है. द फर्स्ट वन इज वी आर सेफ इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स. अगर हम सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे. वी शुड नॉट यूज़ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. तो हमें यूज़ करनी चाहिए, जब हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर, हम जो लाइंस होती हैं उनको यूज़ करके ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक. हमें मैच स्टिक्स के साथ नहीं खेलना चाहिए. ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग इज़ वेयर पीपल क्रॉस आ रोड. ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होती है, जहाँ पे लोग रोड क्रॉस करते हैं उसको बोला जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द शार्प ऑब्जेक्ट्स. जो तीखे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके जिनसे हमें कट लग सकता है, चोट लग सकती है, वो कौन से हैं, जैसे नाइफ फर्स्ट वन, सेकेंड ये ब्लेड है, इनसे भी हमें कट लग सकता है. ये इंजेक्शन है, ये इससे ये बहुत तीखी होती है, और नेल. सो सर्कल दीज विच आर शार्प ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट इज कलर एंड आंसर. तो ये वाला आपने कलर करना है. द फर्स्ट वन इज रेड लाइट सेज स्टॉप. तो यहाँ पे स्टॉप आएगा. एम्बर लाइट सेज, एम्बर मीन्स येलो लाइट सेज वेट. तो यहाँ पे रेड करना है, यहाँ पे येलो, और यहाँ पे ग्रीन. एंड ग्रीन लाइट सेज गो. सो द बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड. You all will do in very good handwriting, color in the traffic lights and write in very good handwriting. Thank you. Have a nice day.